किसी जात को देखता है न किसी मजहब को, खेल देखता है तो मनोरंजन और प्रतिभा को। आज हमारे साथ यहाँ के जो कमेटी है, उनके जो गार्जियन है, उनके जो सहयोगी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जैसे युवाओं के अंदर इस प्रकार से जोश क्यों भर रहे हैं। सबसे पहले बात क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आनंद कुमार मंडल हुआ, घर कुमार हुआ, और मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ। और ये जो ग्राउंड है ऐतिहासिक ग्राउंड, जो काफी सालों से यहाँ क्रिकेट का आयोजन हो रहा है और भव्य आयोजन हो रहा है, यहाँ बड़े बड़े स्टार जिला लेवल के खिलाड़ी आते हैं और खेलते हैं। सर एक बात बताइए, आप लोग कैसे अनुमान लगाए कि नहीं युवाओं के लिए क्रिकेट सबसे अच्छा तरीका है? देखिए आज के समय में क्रिकेट हर खेल से आगे में है। अभी जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो युवाओं का जो भीड़ देख रहे हैं, इसके अंदर एक अलग जुनून जज्बात है। आज यहाँ पर जो कि क्रिकेट की उद्घाटन होने वाला है और यहाँ पर कुछ ही पल में क्रिकेट खेला जाएगा। अंधराठारी और जैसे लदनिया के टीम के बीच में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इन्हीं के साथ में जो है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग दादाजी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर। यहाँ पर कितने दिन से मैच होता है? 2500 साल हो रहा है मैच। अच्छा, कैसा लगता है मैच देखने? खेल में बहुत मजा आता है, हम लोग ग्रामीण मिलकर सहायता भी करते हैं और बहुत मजा आता है। अच्छा एक बात बताइए, आज जो लदनिया और अंधराठारी के बीच में जो जैसो महा मुकाबला है, कौन टीम जैसो जीत सकता है? कोई नहीं बता सकता का खेल है, जो खेल कोई नहीं बता सकता किसकी जीत होगी, कौन हारेंगे इसका कोई नहीं अनुमान लगा सकता। कहीं ना कहीं बिहार के जो युवाए हैं आज उनके अंदर जो अलग जुनून जज्बात है। आइए एक दादाजी उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादाजी? आज जो क्रिकेट की महा मुकाबला है 2024 में, जो इसका प्राइज क्या रखा गया है? 12,000 जी जीतने वाले जी, 7,000 जी, यानी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे आज हमारे साथ जो है सो, यानी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे उनको 12,000 रुपया विजेता टीम को और 8,000 रुपया जो उनके साथ 7,000, यानी जो 7,000 रुपया उनके जो साथ खेलने वाले टीम है उनको दिया जाएगा। तो सेमीफाइनल 26 तारीख को यहाँ पर जैसे कि यहाँ के जो कार्यकर्ता उनको द्वारा बताया गया है। आइए हम माननीय इस पंचायत के जो एक महान पुरुष यानी जो मुखिया जी हैं और अभिभावक के तौर पर आज यहाँ पर काम भी करते हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण राठौर है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रोग्राम करवा रहे हैं क्रिकेट का, कितने दिन से करवा रहे हैं? यहाँ पर काफी साल से हो रहा है। अच्छा काफी साल से हो रहा है। यहाँ पर जो कि कुछ युवाएं आप पर ज्यादा टिके हुए हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? सभी वादों को धन्यवाद देना चाहते हैं और खुशी से कहना चाहते हैं कि हर साल खेल कराते रहे, हम लोग इसमें सहयोग करते रहेंगे, पता चलेगा। अच्छा यहाँ पर जो उनको किसी प्रकार से जैसे दिक्कत हो रहा है, एक बात बताइए, यहाँ के जैसे कुछ लोग नाराज हो गया था सभी के सामने, हम एक बात पूछ रहे आपसे, बोल रहा था कि मुखिया जी साहब जैसे यहाँ पर प्रत्येक साल आते हैं लेकिन इस ग्राउंड को थोड़ा सा देखते नहीं है, इन पर थोड़ा सा आपका ध्यान है कि नहीं है? इस ग्राउंड को सर हम नहीं कर सकते, आप लोग ध्यान दीजिए, इस ग्राउंड पर 144 लगा हुआ है, ये विवादित जमीन है, ये जमीन कहीं ना कहीं झगड़ा में फंसा, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग थे आज जो है सो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोहचल उठा रहे थे, आज मुखिया जी उनका जैसा साफ बयान अपने जैसे चैनल के माध्यम से दे दिए हैं, लेकिन सर इस पर जो प्रयास किया जाए युवाओं का भविष्य इनसे जुड़ा हुआ है तो उनको कैसे किसी न किसी तरीका से रोका जा सकता है? इसीलिए दूसरा ग्राउंड है इन लोगों के लिए, उसको सुधार किया जाएगा, थोड़ा है योजना में लिए हुए हैं, कभी न कभी उस पर काम चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन काम चलता है ना, कुछ टेक्निकल तो जानते हैं इस गड़बड़ी के कारण कर नहीं पाते हैं, जो कि योजना है पैसा है खर्च करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि डोंगल सिस्टम से टाइम लग रहा है उसमें होगा। सर आपके तरफ से इस बार विजेता टीम का क्या प्राइज है जैसे? वो तो अभी हम लोग बात कर लेंगे तब बताएंगे, विधायक नहीं बताते, हर बार करते हैं। यानी इस पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं मुखिया जी, उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त किया, बाकी जानकारी और लेंगे, थोड़ा सा ग्रामीण है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपको? लक्ष्मीलाल का नाम। अच्छा अभी जो आप मैच देखने के लिए कहाँ से आए हैं? हम तो युवा सब जो युवा सब तरह के काम करे युवा की कही थी? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आज जैसे कि सर कहाँ कहाँ के टीम के बीच मुकाबला है? अंधराठारी और लदनिया के बीच। अंधराठारी और लदनिया, कितना ओवर का मैच होगा आज यहाँ पर बताइए? कितना? 16 ओवर। 16 ओवर। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अच्छा कहाँ घर है तुम्हारा? अच्छा पढ़ करके तुमको क्या बनना है, क्रिकेटर या और भी फील्ड में जाना है? अच्छा क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है क्रिकेट खेलकर? बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट खेल का अच्छा लगता है। अच्छा चलिए हम आपको फिर दिखाते हैं, यही एक ग्राउंड है, आज यही एक ग्राउंड है, इसके साथ ही साथ हम इस ग्राउंड का वीडियो दिखाए अपने चैनल के माध्यम से, आज यही ग्राउंड है, यही जाए तो क्रिकेट का क्रिच बन करके रेडी हो चुका है। युवा है आज, युवा पूरे उत्सुकता से देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कब फीता कटेगा और कब जो है तो यहाँ पर उद्घाटन होगा और कब दोनों टीम खेलेंगे और कब हम लोग आनंद उठाएंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? कितना देर से आए यहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए? कितना बजे तक तुम देखोगे? 5 बजे तक देखोगे? अच्छा क्रिकेट खेलने में मन लगता है? बड़े होकर क्या करोगे? क्रिकेट खेलोगे? आज जैसे बिहार के सुशांत मिश्रा आप देख लिए आईपीएल गुजरात में 2 करोड़ 20 लाख में जिसका जो बोली लगा था और बिहार के दूसरा जो है सो लाल कमाल किया था, आज इसी मैदान से कुछ न कुछ लाल जो है सो उठ करके आगे पहुंचने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर आज हम दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि लोग एक ओवर में कितना जो है सो यहाँ पर रन बनाते हैं, जितना रन बड़े बड़े स्टेडियम में नहीं बनता उससे अधिक रन यहाँ के जो है सो लोग हैं साधारण खिलाड़ी हैं वो बना लेते हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ जैसे कुछ महानुभव हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम मैदान में घोषित किया जाता है, कितना दिन से यहाँ पर क्रिकेट होता है?
ये तो काफी टाइम से होते हैं, काफी टाइम से। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अपना जमाना में यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे? नहीं, इस जमाने में चल रहा है, इसी जमाने में चल रहा है। कैसा लगता है क्रिकेट देखकर? क्रिकेट देखने बहुत मजा आता है। अच्छा आप कौन सा काम करते हैं? हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी छोड़ कर क्रिकेट देखने आ जाए? हाँ। अच्छा आज से लगातार जैसे 26 तारीख तक होगा, कितना दिन आइएगा देखने? सब दिन आएंगे। अच्छा डेली आइएगा? डेली आना है, डेली आना है, डेली आना है। आप जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग आइए यहाँ पर और क्रिकेट का जैसा आनंद उठाइए। और यहाँ पर जैसा फीता काटेंगे हमारे जो अभिभावक है यहाँ के, वो फीता काटेंगे, होगी आकर के अब इस फीता को काटेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मुखिया जी अगरबत्ती को जला रहे हैं और साथ ही साथ आज मैच अब क्रिकेट के अंदर तो कहीं ना कहीं तो आपका है। तो तो कार्यक्रम किया जा रहा है, अब टॉस जो है यहाँ पर उछाला जाएगा। अब देखते हैं कि किसका जो है टॉस जीत होता है। हमारे साथ अभी मुखिया जी जो है सो टॉस के कार्यक्रम में आए हुए हैं और यहाँ पर जो टॉस अब उछालने का कार्यक्रम किया जाएगा। एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? शिवशंकर कुमार कामत। अच्छा टॉस उछालने का काम किसके नेतृत्व में दिए हैं आप? मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप कर रहे हैं और सभी को यानी कि जो गार्जियन है उनका देख रहे यहाँ पर सारा काम होता है। अब टॉस का जैसा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर जैसा, आप कौन सा टीम से? आप लदनिया टीम से। आपका टीम का कैप्टन कौन है? आपका नाम क्या हो गया? अच्छा और आपका सर नाम क्या है? असलम परवाना। अच्छा चलिए अभी जो है पूरी जानकारी लेंगे। अब टॉस यहाँ उछाला जा रहा है। आज है टॉस, आज हमारे साथ जो कि अभी है तो आंध्र थाली की टीम टॉस को जीत गए हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? असलम परवाना। आप जो टॉस जीते हैं क्या फील्डिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे? अभी हम डिसीजन कर ले रहे हैं अपने प्लेयरों के साथ। आज आपका परिणाम कैसा रहेगा इस फील्ड में? कोशिश करेंगे हम लोग कि अच्छा रहे। बहुत बढ़िया आयोजन है यहाँ, कमेटी ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ कराया है, हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप इस मैच के मैदान में आए हैं? जी, हम लोगों की टीम पिछली बार भी हम लोग फर्स्ट फील्डिंग करेंगे, ठीक है। और हम लोग पिछले साल भी आए थे सेमीफाइनल में, हम लोग हार गए थे। इस बार कोशिश करेंगे कि फाइनल तक जाए, ट्रॉफी लेके जाएंगे। यानी पिछले साल के तुलना में क्या नाम है सर आपका? अर्जुन कुमार यादव। इससे पहले आप इस मैदान में आए थे? पहली बार आप आए हैं। आप इससे पहले कोई ऐसा मैदान है जहां से आप जाकर फाइनल मैच में पहुंचे हैं? बहुत जगह फाइनल जीते भी है। इस बार का परिणाम कैसा रहेगा आपका? बेहद अच्छा जाना चाहिए। और अभी जाए तो आप जो आप लोगों को जो बैटिंग दिया गया है, बैटिंग करिएगा कि नहीं करिएगा? नहीं, जो भी मिलता है हम लोग को अच्छा ही रहता है। क्रिकेटर टीम है हमारे साथ आंध्रा जो है लदनिया से जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले साल के तुलना में इस बार का कैसा परिणाम रहेगा और अभी तक कितना ऐसा मैच है जिसमें जीत करके हासिल प्राप्त किए हैं। सबसे पहले बात, क्या नाम है सर आपका? कहाँ घर हुआ आपका? लदनिया। लदनिया, आप अभी तक कितने मैच में खेल चुके हैं? शायद आप नहीं गिन पाइएगा, हमको लगता है 40 वर्ष हुआ है। मधुबनी जिला में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं होगा जहाँ नहीं खेले होंगे। रही प्रदर्शन की बात, तो क्रिकेट और इंस्टीट्यूशन से भरा हुआ गेम है। इसमें प्लेयरों द्वारा होता है कि अपना भरसक प्रयास करता है कि हम अच्छा से अच्छा खेले और हम लोग का उम्मीद भी वही रहेगा कि हम लोग अच्छा खेलने का प्रयास करें और बाकी परिणाम जो होगा सो आप लोग के सामने में होगा कुछ क्षणों के बाद। कहीं ना कहीं आज जो है सो कहते हैं काम करिए, परिणाम का जो है सो गिनती मत करिए। आज पूरे भरोसा है कि आज हम लोग अच्छा से अच्छा परिणाम देंगे। आपके साथ कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर ग्राउंड में खेलता है, 14 प्लेयर रहता है, प्लेयर इसमें 3 अतिरिक्त रहता है, 11 खेलता है, तो आपको भी पता होगा। और आगे बताइए सर, कुछ क्रिकेट के बारे में कुछ क्रिकेट प्रेमी के जानकारी दीजिए। क्रिकेट जो खेलता है लड़का सर, उसे क्या कहे, वो तो क्रिकेट देखे ही ना क्रिकेट सीखता है। तो जब यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड गली क्रिकेट जिसे कहा जाता है, तो यहाँ गली क्रिकेट का लड़का सभी देखेगा, लेकिन यदि यहाँ के लड़का को भी अच्छे ग्राउंड पे और अच्छा माहौल में यदि उतारा जाता है तो उस ग्राउंड पे भी वो अच्छा प्रदर्शन करता है और अच्छा खेल दिखाता है। अभी तक आप अपने जो जितने दिन से आप खेल रहे हैं, आपका खेल का जो कार्यकाल रहा, हाईएस्ट ग्राउंड आप एक ओवर में कितना बनाए हैं? घोंगा बिहार में खेले थे, झंझारपुर टीम अगेंस्ट था, हम पटना टीम से खेल रहे थे। घर प्रॉपर लदनिया हुआ, जितू जो पल्सर गाड़ी लिए हुआ था उसको हम एक ओवर में 4 छक्के और 1 चौका लगाए थे, लगभग 5 ही गेंद खेल पाए थे, एक गेंद आउट हुआ था, उसके बाद 5 गेंद पर हम उड़ाए थे, 28 रन मारे थे। यानी हाईएस्ट रन एक ओवर में भाई जी अभी तक अजय तो अपने कार्यकाल में 28 रन मार चुके हैं। और अभी तक विकेट कितना लिए हैं? विकेट इसका हम लोग का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, लेकिन पहले मैं बॉलिंग करता था, विकेट एक ओवर में हम 4 विकेट लिए हैं अधिक से अधिक। अच्छा, कृष्णा मराठ के ग्राउंड जस्ट बगल में है। आज हमारे साथ एक भैया है जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। रुक जाइए, क्या नाम है भैया आपका? सतीश कुमार मंडल। कहाँ से आप आए हैं? लदनिया से। आप सहयोगी टीम को क्या बात कहना चाहते हैं?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरा प्लेयर अच्छा है और अच्छी तरह से खेले और मैच को विन करे। जब आप लोग मैच जीतते हैं तो अंदर से कैसा फीलिंग होता है? मैच जीतने के बाद कुछ अलग सा जुनून मिलता है, जैसे विश्व कप जीत लिया हूँ उस प्रकार का जुनून मिलता है। कहीं ना कहीं जो बिहार में आज इसी से आप लोग तो सिर्फ इसी मैदान में खेलते हैं, आगे जाने का प्रयास नहीं करते हैं? जी, हम लोग इतना नॉर्मल परिवार से आते हैं कि उतना आगे नहीं जा सकते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग यही खेल लेते हैं। देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रतिभा तो है लेकिन जो है सो आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ घर हुआ आपका? लदनिया घर हुआ। आप अभी तक कितना दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं? अभी मैं बहुत कम उम्र, मेरा उम्र है जो अभी शुरू ही किया है, स्टार्ट किया है जो अभी तीन चार मैच खेले हैं। कैसा आपका परिणाम रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। क्या लगता है आज किधर का टीम विजय प्राप्त कर सकता है? क्रिकेट एक अनुशासित खेल होता है जो कि हार जीत का उसमें कोई नहीं होता है, हार जीत का खेल होता है जो कि दोनों टीम में अच्छी होता है। जैसे आप लोगों को कितना ओवर खिलाया जाएगा? 16 ओवर। 16 ओवर। और जैसे आप लोग एक अनुमान लगाए होंगे कि हम कितना इतना रन हमें चाहिए तो हम जीत सकते हैं? 200 से ऊपर होगा, 200-250 तो उतना लगता है, हम सब जा रहे हैं। आज जो है सो ये लदनिया टीम है, लदनिया प्रखंड के और जो है सो एक अंधराठाड़ी प्रखंड के टीम है, मधुबनी जिला का जैसा चर्चित टीम है हमारे साथ। आइए। और मेरा नेपाल है, खुशी लग रहा है कि आज जीत ही के जाएंगे। अच्छा, जीत ही के जाएंगे। कहे ना खेल अनिश्चितता का जो है सो प्रमाण है लेकिन भरोसा होना चाहिए। आज भैया एक जो है सो दावा के साथ कह रहे हैं कि आज जो है हम लोग जीत करके जाएंगे। अच्छा, अपने टीम पर बहुत भरोसा है और खुद पे भी इतना भरोसा है कि मैं 2024 का प्रथम फाइनल विजेता इंडिया में जीता हुआ हूँ और इस ग्राउंड से भी अपने टीम का फाइनल तक ले जाने के भरोसा दे रहा हूँ। अभी तक आप हाईएस्ट कितना रन बनाए एक ओवर में? 24 रन। और जीवन में हाईएस्ट रन कितना बना अभी तक? 110 रन। 110 रन, यानी कि अभी देख लीजिए 110 रन बना चुके हैं। और मान लीजिए जब आप लोग खेलते हैं, कभी आज तक नाइट मैच में गए खेलने के लिए? गया हुआ हूँ। कैसा वहाँ का तो माहौल रहा? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम मैच देखा हुआ था। और साथ बने ये सभी क्रिकेट प्रेमी से निवेदन है कि जो फाइनल मैच है हर एक दिन यहाँ से कल लगातार जैसे यहाँ पर मैच खेलाया जाएगा। आज से आप लोग आइए, दूर दूर से जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग आइए, मैच का लाभ उठाइए और जैसा आनंद उठाइए। धन्यवाद।